हैप्पी बर्थडे टू यू। अभी मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और यहाँ की सड़कें देखो गाइस कितने ज़्यादा खड्डा है। हेमा खंडू सर आई रिक्वेस्ट यू रास्ता बनाइए। पूरा जर्नी में मैं डिस्को डांस कर करके आ रहा था। पूरा में क्या क्या नहीं देखा होगा, इससे ज़्यादा खटिया रास्ता नहीं देखा होगा। अच्छा रास्ता आ गया, अच्छा रास्ता, अच्छा रास्ता। ये है हारमुटी का टी स्टेट जहाँ पे चाय लोगों को तैयार किया जाता है। ये एक फैक्ट्री है, हारमुटी का चाय बनाने वाला फैक्ट्री है। यहाँ पे मैनेजर का परमिशन के बिना आप अंदर नहीं जा सकते, तो मैंने रिक्वेस्ट किया था। तो मैनेजर जो काफ़ी दूर में रहता है, एप्लीकेशन वगैरह देना पड़ता है। तो कोई बात नहीं, बाहर से देख लेते हैं कैसा है। बहुत सुंदर जगह है। अभी मैं यहाँ पे गर्मा गर्म पराठा खा रहा हूँ। वाह, बहुत ही ज़्यादा महक अच्छा है हारमुटी में। वैसे आप सबको बताना चाहता हूँ, आज मेरा बर्थडे है। आज मैं 26 ईयर्स हो गया हूँ, इसलिए आज मैं सुबह सुबह ट्रिप पे निकला हूँ। पता नहीं कहाँ पहुँचूँगा। तू ही चला चला रे, यू ही चला चला रे, जीवन गारी है समय पहिया। दिन दरा रा 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 भैया। हारमुटी से आपको नॉर्थ लखीमपुर आना पड़ेगा और वहाँ से आपको यहाँ पे आना पड़ेगा माजुली का फेरी के लिए। दुलाईगुरी घाट है ये। तो ये है रिवर और हम लोग फेरी से उस पार जाएंगे। वहाँ पे एक फेरी आ रही है। बहुत वेट कर लिया यहाँ पे, बहुत गर्मी भी है। मैं माजुली जाके जितना घूम पाऊँगा उतना रिकॉर्ड कर लूँगा, क्योंकि मुझे वापस भी आना होगा। और जो रास्ता वाला एरिया है वो मुझे पता नहीं है, वो बहुत दूर है बोल रहा था। ऐसे लाइक 61-80 किलोमीटर समथिंग। तो इसलिए मैं जितना भी देख पाऊँगा। पेट्रोल वगैरह तो फुल किया हुआ है, सब कुछ है मेरे पास, पावर बैंक वगैरह सब कुछ है। बस ये लोग हम लोगों को एक बार वहाँ पहुँचा दे, उसके बाद जितना भी देख पाऊँगा, जो भी एक्सपीरियंस कर पाऊँगा। वैसे तो कोई टूर गाइड है नहीं और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि वहाँ पर जाके रुकूँ। टॉप ऑफ द रूफ ऑफ द बोट। और यहाँ से जो नज़ारा है ना, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। मेरे पास कोई स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं है, जिसके वजह से मैं मेरा खुद का सिनेमैटिक शॉट्स नहीं ले पा रहा हूँ। अभी कुछ जुगाड़ होता है तो देखता हूँ। लेकिन यहाँ से जो व्यू है ना, वो ठीक है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत व्यू है। अगर बारिश होती तो बहुत प्रॉब्लम होना था, रास्ते बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी धूप है इसलिए रास्ते ऐसे सूखे पड़े हुए हैं। मैं स्कूटी चला के वहाँ से जा रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक डांस देखा, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो ये लोग बोले हैं कि अभी यहाँ पे बोहक बिहू चल रहा है। जो जगह है ना, बहुत ज़्यादा स्कैरी है। पता नहीं यहाँ पे स्कूटी को कैसे चलाऊंगा, बहुत ही ज़्यादा भयानक है ये जगह। मतलब बहुत ज़्यादा स्कैरी है। दोनों साइड में पानी है, नीचे भी पानी है। और ये बनी हुई है लकड़ी से, काठ से, और नीचे बैम्बू है। और यहाँ से जो नज़ारा है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे बहुत सारे नाव है और यहाँ पे छोटे छोटे नाव है। तो ये जो जगह है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। ड्रोन होता ना तो कितना बढ़िया से यहाँ पे ड्रोन उड़ाने से कितना सुंदर लगना था ये जगह। वाह, दिस प्लेस इज़ अमेजिंग। अभी तक मैं जितना भी घुमा हूँ ना, ये जगह मुझे सबसे बढ़िया लगा। ये दोनों इस ब्रिज को अगर आप क्रॉस करोगे तो वहाँ पे आपको 30 रुपीज़ लेगा। वहाँ से आप आओगे वापस तब भी 30 रुपीज़ लेगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट दोलोंग सेलेक्ट दोलोंग और एम नोया मतुन दोलोंग दोलोंगा इनको दोलोंग आना दोलोंग माने केहुती केहुती। अभी मैं हूँ यहाँ पे माजुली में। अभी ये कौन सा जगह है पता नहीं, मैं सामुगिरी ऐसा कुछ बोल के नाम है, उस तरफ जा रहा हूँ। तो यहाँ पे खेत है, खेत में देखो आप सब, यहाँ पे घोड़े हैं, बहुत सारे घोड़े हैं। और ये खेत कितना ज़्यादा प्यारा है। यहाँ पे गाय है और घोड़े हैं। मैं जिस जगह पे जाना चाहता था वो मार्क्स वाला जगह, तो वो जो बहुत दूर है यहाँ से। और यहाँ पे मैंने देखा कि पेट्रोल पंप वगैरह भी है नहीं, तो रास्ता तो अच्छा है, मैं फाड़ के जाता तो बहुत ही जल्दी पहुंच जाता। लेकिन मेरे पास समय की भी कमी है, 1 बज रहा है। तो मैं अभी थोड़ी देर में निकलूँगा यहाँ से, क्योंकि ऐसे अननोन जगह में ऐसे रात को भटकना नहीं चाहिए, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। और यहाँ पे गाँव एरिया है, ये माजुली जो गाँव एरिया है, टाउन एरिया होता होगा आगे पता नहीं। मैरिज के एंटी मैरिज बता देता हूँ, अगर बारिश होगी तो मत आना, क्योंकि सड़कें जो है ख़राब है, आप फंस सकते हो, कीचड़ में फंस सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे आते हो तो खाना वाना खा के आइएगा, उसके बाद हो सके तो लेके भी आइए यहाँ पे, क्योंकि खाने वाने का जगह नहीं है, दुकान है, उसमें चिप्स वगैरह मिल जाएंगे। माजुली से मैं यहाँ पे आ गया हूँ वापस हारमोटी में, और यहाँ पे भोजन कर रहा हूँ चिकन फ्राइड राइस। सोनी बिहू लो आहिले कुपाते कुपो फूल दुहातोते जे तुकार आज का जो दिन था वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। मैं पहली बार माजुली गया था, उसके बाद मैं वहाँ पे जो भी देख पाया, जो भी एक्सपीरियंस किया, उसको मैंने फिल्मा दिया। आप सबको मेरी ये ट्रैवल ब्लॉग अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो।